आप जींस के साथ पहन रहे हो तो सेमी फॉर्मल लुक बन फ्रेंड, टफ लुक चाहिए या फिर किसी सेमी फॉर्मल। अब बहुत से लड़कों को मैंने ये गलती करते हुए देखा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन, माय नेम इज सुहेल जैन। तो यार अगर लड़कियों की बात करें तो उनकी वार्डरोब में 100 से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब बात आती है लड़कों की तो उनकी वार्डरोब में सिर्फ गिने चुने ही कपड़े होते हैं जिन्हें वो हर लोकेशन पर पहनकर भी नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उन्हें शादी में जाना होता है तो सोचते हैं क्या पहनकर जाऊं, पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी लोकेशन पर जा रहे हैं तो सोचते हैं यार क्या पहनकर जाऊं, जिसकी वजह से वो गलत लोकेशन पर गलत कपड़े पहनकर चले जाते हैं एंड इसी की वजह से वो अनस्टाइलिश और छपरी लगते हैं। कुछ लड़के तो ये गलती करते हैं कि उन्हें किसी लोकेशन पर या किसी शादी पर अर्जेंटली जाना होता है तो हाथों हाथ कपड़े खरीदते हैं, अर्जेंटली कपड़े खरीदते हैं, जिसकी वजह से वो उन कपड़ों में लूट कर आते हैं एंड गलत कपड़ों में गलत पैसे इन्वेस्ट कर आ जाते हैं, फिर बाद में अफसोस करते हैं। इसलिए यार आज हम बात करेंगे टॉप 8 एसेंशियल आइटम्स के बारे में, जिसका होना मेरे ख्याल से आपके पास बहुत ही जरूरी है। उन कपड़ों को आप इजिली हर लोकेशन पर पहनकर जा सकते हो। तो यार उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर बात होती है लो बजट में हाई क्लास फैशन फिटनेस ग्रूमिंग के बारे में। ओके, सो नंबर 1 वार्डरोब एसेंशियल आइटम है एक वाइट शर्ट, क्योंकि वाइट शर्ट एक ऐसी शर्ट है जिसके साथ आप अगर आप पैंट के साथ पहन रहे हो तो फॉर्मल लुक बनता एंड अगर आप जींस के साथ पहन रहे हो तो सेमी फॉर्मल लुक बनता। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है वाइट शर्ट में कि इसके साथ आप किसी भी पैंट पहन लो, किसी भी कलर की पैंट पहन लो, सारी पैंट इजिली मैच हो जाती है वाइट शर्ट के साथ, जो आपके क्लोथिंग कलेक्शन को बहुत ही ज्यादा शानदार एंड इजी बना देती है। नंबर 2 वार्डरोब एसेंशियल आइटम है एक डार्क डेनिम जींस। रफ एंड टफ लुक चाहिए या फिर किसी सेमी फॉर्मल लोकेशन पर जाना हो तो एक डार्क डेनिम जींस जरूरी ऐड कर लो अपनी वार्डरोब में, ये आपको बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखाती है आपको सेमी फॉर्मल लोकेशन पर। ओके, नंबर 3 वार्डरोब एसेंशियल आइटम है एक वाइड स्नीकर्स। वाइड स्नीकर्स बहुत ही ज्यादा क्लासिक स्नीकर्स हैं जो हर आउटफिट के साथ इजीली मैच हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि किसी और स्नीकर्स में या किसी और शूज में इन्वेस्ट करने से पहले आप सबसे पहले वाइड स्नीकर्स को अपनी वार्डरोब में जरूर से ही ऐड कर लें, सच बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। नंबर 4 वार्डरोब एसेंशियल क्लोथिंग आइटम है कुर्ता पजामा। ये कुर्ता पजामा फुल स्लीव कुर्ता पजामा आपकी वार्डरोब में जरूर से ही होना चाहिए। हाँ अगर वो व्हाइट कलर का होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यार देखो अचानक से हमें किसी लोकेशन पर जाना पड़ जाता है, जैसे हमें शादी पर जाना पड़ जाता है या किसी धार्मिक लोकेशन पर जाना पड़ जाता है, जहां हमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव जो दिखाता है वो है एक फुल स्लीव कुर्ता पजामा। इसलिए आप एक फुल स्लीव कुर्ता पजामा अपनी वार्डरोब में जरूर से ही रख लें। नंबर 5 पर है एक फॉर्मल वॉच भी हर बंदे के पास होनी ही चाहिए। बेसिकली ये वॉच तो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, बट ये आपके ओवरऑल लुक को बहुत ही ज्यादा कातिल बना देती है। अब बहुत से लड़कों को मैंने ये गलती करते हुए देखा, आपने भी करते हुए देखा होगा, वो चैन वाली वॉच पहन लेते हैं एंड पहनते तो पहनते हैं लेकिन वो हर आउटफिट के साथ उसी वॉच को पहनते हैं, जैसे सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, कैजुअल, हर आउटफिट के साथ चैन वाली वॉच ही पहनते हैं, जिसकी वजह से वो उन कपड़ों में भी छपरी लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक ही वॉच को आप हर आउटफिट के साथ पहनो तो वो है एक फॉर्मल वॉच। फॉर्मल वॉच एक ऐसी वॉच है जो हर आउटफिट के साथ इजिली मैच हो जाती है। नंबर 6 है एक ब्लैक जींस। देखो आपने बेसिकली मार्केट से बहुत ही ज्यादा जींस खरीदी होंगी, अलग अलग कलर्स की जींस खरीदी होंगी, लेकिन आपने उनके साथ सिर्फ एक ही लुक बनाया होगा, एक ही आउटफिट बनाया होगा, लेकिन ब्लैक जींस एक इकलौती ऐसी जींस है जिसके साथ आप तरह तरह के आउटफिट बना सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ब्लैक जींस को अपनी वार्डरोब में जरूर से ही रख लें। नंबर 7 वार्डरोब एसेंशियल क्लोथिंग आइटम है एक चेक शर्ट। चेक सेट के बारे में मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि एक चेक सेट को जरूरी अपने वार्डरोब में रख लो, क्योंकि इसके 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला क्या है कि आप इसे नॉर्मली शर्ट की तरह भी पहन सकते हो, जैसे आप नॉर्मली शर्ट भी पहनते हो, एंड सेकंड क्या है कि आप इसे राउंड नेक टी शर्ट के ऊपर, राउंड नेक टी शर्ट किसी भी कलर की हो सकती है, व्हाइट या ब्लैक, उसके ऊपर आप चेक शर्ट को बटन खोलकर पहन सकते हो, जैकेट की तरह इसको पहन सकते हो, लेयरिंग बनाकर पहन सकते हो। बेसिकली वैसे तो प्लेन शर्ट में भी लेयरिंग बन जाती है, बट आप अट्रैक्टिव जो लगते हो, आप स्टाइलिश जो लगते हो, वो सिर्फ चेक शर्ट में ही लगते हो, प्लेन शर्ट में इतने ज्यादा नहीं लगते, चेक शर्ट में आप ज्यादा लगते हो। नंबर 8 वार्डरोब एसेंशियल्स आइटम है एक पोलो टी शर्ट। पोलो टी शर्ट भी आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपको कैजुअल हैंगआउट और फैमिली आउटिंग करनी है तो पोलो टी शर्ट आपके लिए परफेक्ट क्लोथिंग आइटम है। इसलिए अपनी वार्डरोब में पोलो टी शर्ट को जरूर ही ऐड कर लें, ये आपके हर इवेंट्स को इजी बना देती है। तो यार यही था आज की वीडियो में, जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए वीडियो में अब भी बहुत कुछ रह गया आपको बताने के लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए, लेकिन पार्ट 2 भी मैं तभी बनाऊंगा जब आप इसके लिए कमेंट्स करोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो आप कमेंट जरूर करना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।